जय हिंद। नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, लाडो लाडली, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी पर। दोस्तों आज का वीडियो स्पेशली SSC GD में फर्स्ट चॉइस को लेकर है। काफी बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमने जो अभी SSC GD में किसी के बोल रहा है 170 नंबर, 140 नंबर है, 120 नंबर है, 125 नंबर है, किसी के मान लो 100 से कम नंबर है और वो फिजिकल भी क्वालिफाई हो गया है और उसको लगता है कि उसका सिलेक्शन होगा, तो बच्चे पूछ रहे हैं सर हमको फर्स्ट चॉइस किस आधार पर मिलेगी। SSC GD में आप सभी को पता लगभग 8 से 9 वैकेंसियां हैं अलग अलग, जैसे CISF, CRPF, BSF, SSF, NIA, असम राइफल, SSB, ITBP, इसी प्रकार और एक NCP। तो इनमें से फर्स्ट चॉइस के आधार पे मिलेगी, क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन सबसे ज्यादा ये आता है। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया कि जब फॉर्म भरा था ना तब मित्र वाले को या रोजगार सेंटर वाले को बोल दिया भाई अपने हिसाब से भर देना। अब उसने अपने हिसाब से भर दिया, अब उनके नंबर आ गए हैं बहुत अच्छे और उनको पता है कि हमने जो फर्स्ट चॉइस दी है वो हमको मिल जाएगी। अब उन्होंने मान लो गलती से फर्स्ट चॉइस गलत दे दी है तो क्या चेंज हो सकती है या नहीं? तो पहले तो मैं आपको बता दूं, एक बार आपने जब फॉर्म भरा था और उसमें जो भी आपने फर्स्ट चॉइस दी है वही रहेगी, चेंज नहीं होगी। अब चेंज किस कंडीशन में हो सकती है, देखिए फर्स्ट चॉइस आपको किस आधार पर मिलते हैं, इसके 2 से 3 नियम है। पहला नियम अंकों के आधार पर, यानी अगर मान के चलिए आपके 160 में से 140 नंबर है तो इसका मतलब है कि बहुत अच्छे नंबर है, टॉप के नंबर है। अब आपने मान लीजिए जो फर्स्ट चॉइस दी है उसकी कट ऑफ 140 से नीचे रहती है तो आपको 100% वही मिलेगी। अब अगर मान लीजिए कि आपने फर्स्ट चॉइस दी थी SSF और SSF की जो मेरिट गई वो 141 चली गई और आपके नंबर कितने हैं 140, तो फिर आपको कौन सी मिलेगी? फिर आपको मिलेगी इनमें से जिसमें रिक्त पद होगा, यानी जिसमें खाली होगा। ये नहीं कि आपको CRPF मिल जाएगी, अगर मान के चलिए CRPF की कट ऑफ गई 140 या 130 गई मान के चलिए और 130 नंबर वाले किसी बच्चे ने फर्स्ट चॉइस CRPF दे रखी है तो पहले उसको मिलेगी ना कि आपको, समझ गए बात को? यानी जिसकी जितनी कट ऑफ गई है मान के चलिए अगर हम मान के चलिए AR की मान लीजिए सबसे कम गई 108 नंबर पर गई जबकि आपके 140 नंबर है तो AR पहले 108 वाले को मिलेगी क्योंकि उसने फर्स्ट चॉइस दी है। आपको 140 नंबर होते हुए अगर आपकी फर्स्ट चॉइस नहीं मिलती है तो फिर आपको वो मिलेगी जिनमें इनमें से रिक्त है, यानी जिसमें पद खाली हो रहे हैं उसमें आपको डाल दिया जाएगा। ठीक है, एक तो अंकों के आधार पे, दूसरा पोस्ट के आधार पे। अभी इस बार क्या हुआ था कि CISF की पोस्ट क्या हुआ था, CISF की जो पोस्ट है ना लास्ट में इंक्रीज हुई थी। पहले CISF की पोस्ट थी 0, लास्ट में लगभग 5000 पोस्ट CISF की आ गई। अब इसमें हुआ क्या था कि बहुत सारे बच्चों ने CISF फर्स्ट चॉइस डाला ही नहीं तो इस बार कम नंबर वाले बच्चे को भी CISF मिल जाएगी क्योंकि इसकी बहुत सारे बच्चों ने फर्स्ट चॉइस चीज को नहीं डाला, सेकेंड या थर्ड या फाइनल डाला। लास्ट में 3-4 दिन बाद में ये पोस्ट का पता चला तो 3-4 दिन में जिन बच्चों ने फॉर्म भरे हैं अगर उनके अच्छे नंबर होंगे तो 100% उनका CISF मिल जाएगी। ये फिक्स है नियम, ठीक है, पोस्ट के आधार पर, यानी जितनी पोस्ट है उतने बच्चों ने अगर प्रायोरिटी डाली है। अब ये मान के चलिए कि CISF मान के चलिए कि जो सिलेक्शन होते हैं उनमें से 5000 बच्चे CISF के मिलते ही नहीं है, मान लीजिए सिलेक्शन वाले में से 3000 बच्चे CISF के मिले तो बस कितनी गई पोस्ट है 2000। ये 2000 किसको मिलेगी? ये 2000 उनको मिलेगी जिनकी फर्स्ट चॉइस, जैसे मान लीजिए किसी की SSF थी जबकि उसके नंबर कम है तो उसको CISF में डाल देंगे। ठीक है, ऐसे ही सभी में मान के चलिए BSF में 1000 पोस्ट रह गई है जिन्होंने फर्स्ट चॉइस दी उसके अलावा, तो फिर ये पोस्ट किसको मिलेगी? इनमें से जिसने फर्स्ट चॉइस दी थी उसको फर्स्ट चॉइस नहीं मिली तो उसको इनमें से कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। इस प्रकार से मिलती है फर्स्ट चॉइस और ये चेंज नहीं होगी। अब जो हो गई सो हो गई फाइनल। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।